डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड क्या होता है ये? डेटिव बॉन्ड इज अ बॉन्ड, लिखो, इट इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, डेटिव बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. डेटिव बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. डेटिव बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये तुम लोग पहले भी देखा है अनइक्वल शेयरिंग. कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुना होगा नाम. अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ डेटिव बॉन्ड. डेटिव बॉन्ड दो टाइप का हो सकता है, या तो सिग्मा डेटिव हो या पाई डेटिव हो, है ना. बॉन्ड बॉन्ड भी दो टाइप का, वैसे ही डेटिव बॉन्ड भी दो टाइप का, सिग्मा डेटिव या पाई डेटिव. डेल्टा में हम लोग नहीं जाएंगे, कोई फायदा नहीं है डिस्कस करके. सिग्मा डेटिव या पाई डेटिव. सिग्मा डेटिव कब होगा? जब कोएक्सियली फॉर्म हो, जब ओवरलैपिंग जो है कोएक्सियली हो, और पाई डेटिव जब ओवरलैपिंग कोलैटरल हो. कोएक्सियल कोलैटरल, सिग्मा डेटिव पाई डेटिव. जो सिग्मा डेटिव है, सिग्मा डेटिव बॉन्ड जो है हमेशा दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा. सिग्मा डेटिव हमेशा दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डेटिव बॉन्ड. और जो पाई डेटिव है वो एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में बनेगा. पाई डेटिव जो है एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में बनेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर डेटिव बॉन्ड. ठीक है, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं बैक बॉन्ड. सिग्मा डेटिव को हम लोग प्यार से बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पाई डेटिव को हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्ड. ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग बहुत देखा है जीवन में अपने, जैसे एन एच एच एच, और यहां पे हम लोग के पास है बी एफ थ्री. ठीक है, और बाकी जो तुम लोग देखा वो हम नहीं दिखा रहे हैं. एच फोर पॉजिटिव बनना, एच थ्री पॉजिटिव बनना, वो क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ये सब जानते हो. जो नहीं जानते वो दिखा रहे हैं. यहाँ पे क्या है? एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा इसके पास, बोरोन के पास. बोरोन के पास टू क्या क्या है? टू एस है, टू पी है, तो तीन तो यूटिलाइज हो गया, हाइब्रिडाइज हो चुका है, एसपी टू बन गया हाइब्रिडाइज होके. मतलब एक एस और दो पी हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स होके चला गया, बचा है एक पी, वो है ये, वो है खाली वेकेंट. और इसके पास है सराउंडिंग, मतलब इसके पास है छः इलेक्ट्रॉन. इसको इलेक्ट्रॉन का दरकार है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है. इसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सिग्मा डेटिव. और जो इसका फाइनली स्ट्रक्चर आएगा ये कुछ ऐसा आएगा. इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं फ्यूज्ड टेट्राहेड्रल, फ्यूज्ड टेट्राहेड्रल, फ्यूज्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. दोनों ही टेट्राहेड्रल नहीं था, मिक्स फ्यूज होने के बाद दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो गया है, इसका भी इसका भी. एक चीज और देखो, डेटिव बॉन्ड बनने की वजह से, चलो ठीक है, बाद में देखेंगे थोड़ा सा. ठीक है, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जानते हो तुम लोग. अब बात करते हैं बैक बॉन्ड का. बैक बॉन्ड सपोज करो BF3, सिर्फ BF3 हम लोग के पास. इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है,
बी के पास वेकेंट ऑर्बिटल है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं और फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। बट फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है वो एक और बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा। चलो बना सकता है पर चाहेगा नहीं, बट वो बना सक नहीं, फ्लोरीन बॉन्ड बना भी नहीं सकता, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है एम्प्टी। क्लोरीन अगर होता तो शायद बॉन्ड बना भी लेता, बट फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली बोरॉन को कभी नहीं देगा। वो इलेक्ट्रॉन आधे रास्ते जाके सपोज करो आधे रास्ते जाके रुक गया, कम्प्लीटली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। मतलब ऐसा आधे रास्ते जाके रुक नहीं रहे, ऐसा हो रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास जा रहे हैं फ्लोरीन वापस खींच ले रहा है, कमिंग टू एंड फ्रो मोशन टाइप का। तो वो इलेक्ट्रॉन बोरॉन को कम्प्लीटली कभी नहीं मिल रहा, तो ये क्या बन गया, एक टाइप का पार्शियल पाई बॉन्ड, एक टाइप का पार्शियल पाई बॉन्ड हो गया, हुआ कि नहीं। बॉन्ड तो कम्प्लीटली नहीं बन रहा, बट देर इज सम अट्रैक्शन। मतलब ये फ्लोरीन क्या है, बोरोन को बच्चा समझ के खुश कर दे रहा, टॉफी दे भी रहा है वापस ले ले रहा है, खेलते ना बच्चों के साथ वैसे ही फ्लोरीन कर रहा है, बच्चा खुश भी हो जा रहा है, काम हो जा रहा है, इसको बोलते पार्शियल पाई बॉन्ड। और ये फ्लोरीन भी कर सकते हैं और ये फ्लोरीन भी, पार्शियल पाई बॉन्ड इज नोन एज बैक बॉन्ड। इससे थोड़ा सा ऑक्टेट जो है पहले से थोड़ा सा जो डेफिशिएंसी था मॉलिक्यूल में वो डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। ये है, इसको बोलते हम लोग बैक बॉन्ड। ये पूरे अलग टॉपिक है, इसमें दो क्लास लगेगा तब पढ़ेंगे, बैक बॉन्ड पूरा अलग कहानी है। अभी थोड़ा डेटिव बॉन्ड इन जनरल पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिख लो इतना टेबल लिख लो, ये जो टेबल लिखा है लिख लो, बस लिख लिया पूरा, ठीक है, भला हो। बाकी इस पे पूरा डिस्कशन अलग से करेंगे बाद में, अभी टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। लिख लियो होगा इतना, लिखो एक बात, डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ लुइस एसिड बेस इंटरैक्शन। डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ लुइस एसिड बेस इंटरैक्शन। लुइस एसिड, लुइस बेस, लुइस एसिड क्या होता है पता है तुम लोग को? नहीं। लुइस एसिड जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके उसको हम लोग बोलते हैं लुइस एसिड। एसिड बेस जानते हो क्या होता है, एसिड H प्लस डोनर, बेस H प्लस एक्सेप्टर, तो ऐसे लुइस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसको लोन पेयर अगर एक्सेप्ट करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर इसको एक्सेप्ट करना है तो लोन पेयर कहीं रखना पड़ेगा ना एक्सेप्ट करके, तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना ही चाहिए। और लुइस बेस लोन पेयर डोनर, ठीक है, लुइस बेस लोन पेयर डोनर, ठीक है, एलपी एक्सेप्टर, एलपी डोनर, तो एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल इज कंपल्सरी। और लुइस बेस इसको लोन पेयर डोनेट करना है, तो लोन पेयर डोनेट करने के लिए इसके पास लोन पेयर होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लोन पेयर होना चाहिए। और लोन पेयर होते हुए उसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये डोनेट नहीं करेगा, ठीक है ना, ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट, ठीक है ना। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, लोन पेयर डोनेट करने जाएगा तो उसको दूसरा एलिमेंट बोलेगा अपने घर का, तो देख मेरा देखने आया है। तो क्या होता है बेसिकली फंडा, यहां पे एक आग्रह है, ए एक एटम ए है जिसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कुछ कुछ केस कंप्लीट नहीं है अभी वही समझो। और यहां पे एक बी है, इसके पास लोन पेयर है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, हो सकता है पाई कोलैटरल ओवरलैपिंग के थ्रू डोनेट करे तो बन जाएगा बैक बॉन्ड, कोएक्चुअली करें तो बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको हम लोग सिंबल देंगे कुछ ऐसा, ए बी, या ए पे नेगेटिव बी पे पॉजिटिव। ये है एक्सेप्टर, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर, जो कि एक लुइस एसिड है, ए फॉर एसिड,
बी फॉर बेस, एक्सेप्टर डोनर, ठीक है ठीक है। हेरिंग डालो, टाइप्स ऑफ लुईस एसिड, टाइप्स ऑफ लुईस एसिड,